अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर हसन है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट SM कॉलेज में मैथमेटिक्स के अंदर। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 इक्वेशंस। टॉपिक हमारा पास है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब का मतलब होता है 3, जैसे आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, और रूट्स का मतलब होता है जो इक्वेशन को हल करते हैं उसका सॉल्यूशन सेट कहलाता है, और यूनिट मीन्स 1। तो यहाँ पर हमको क्यूब के 3 रूट निकालने हैं। कितने निकालने हैं? यूनिट यानी 1 के 3 रूट निकालने हैं। 1 के 3 रूट निकालने हैं। लेट एक्स बी ए, लेट एक्स बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी हमें यहाँ पर 1 के 3 रूट निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्स पावर 3 इज इक्वल टू 1। तो इधर आकर ये हो जाएगा एक्स पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स पावर 3 माइनस 1 पावर 3। अब आप इसको फैक्टराइजेशन कर लें, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि लोअर क्लासेस के अंदर मैट्रिक के अंदर ए पावर 3 माइनस बी पावर 3 इसके फैक्टर करेंगे, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर x की जगह हमारे पास a हो जाएगा और 1 की जगह b हो जाएगा। जब हम इसके फैक्टर करेंगे हमारे पास क्या x माइनस 1 आएगा, दूसरा क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का x आएगा प्लस का इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर यहाँ पर हमारे पास दो, इसका मतलब है 10 आयतन। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, एक्स इक्वल टू 1 आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि इसके फैक्टर नहीं हो रहे, इसको क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। कौन सी क्वेश्चन हमारे पास? ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड ए नॉट इज इक्वल टू 0। क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अंदर ये जरूरी है कि ए जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो इट बिकम लीनियर इक्वेशन, फिर हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसको इसे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 1 आएगा, बी इज इक्वल टू 1 आएगा और सी इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए बी सी इनके सारे कोफिशियंट मिल गए, सी हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इसके लिए है, फैक्टर नहीं होते, हम यहाँ क्या कर रहे हैं इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू रखेंगे, बी हमारे पास 1 था, बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 1 है ओवर 2 इंटू 1। देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा माइनस का 4, और नीचे हमारे पास अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आएगा। दिस इम्प्लाइज डेट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 3 अपॉन 2 आया। अब माइनस 3 है यहाँ पर, इसका मतलब है इसको किस तरह रखेंगे, माइनस 1 प्लस नाउ 3 इंटू माइनस का 1 ओवर 2। दिस इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस नाउ 3 इंटू आइटा स्क्वायर, बिकॉज आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 होती है, क्या होती है माइनस 1 होती है ओवर 2। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आइटा रूट 3 अपॉन 2। इसका मतलब है हमारे पास एक रूट वो आया था, दो रूट ये हो गए, तो हमारे पास 3 रूट मिल गए। तो ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट किया, क्योंकि आइटा आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट कहलाते हैं। तो हैंस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, हैंस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीन्स 1 के 3 रूट। एक 1 आया हमारे पास, दूसरा माइनस 1 प्लस आइटा अंडर 3 अपॉन 2 आया, माइनस 1 माइनस आइटा अंडर 3 अपॉन 2 आया।
इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, एक इसमें से रियल रूट है, दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है। इसका मतलब है वन के तीन रूट हमने निकाले। आल्सो अगर इसको हम नाम दे दें ओमेगा, प्लस वाला रूट ले लेते हैं आयटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू। ओमेगा एक ग्रीक सिंबल है, ठीक है। अब क्या करें इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस वन प्लस आयटा अंडर थ्री अपॉन टू का स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा आपको तो डिफिकल्टी होगी, इसमें आप क्या करें माइनस इसमें कॉमन ले लें। तो माइनस वन कॉमन रखा, वन माइनस आयटा अंडर थ्री अपॉन टू होल स्क्वायर, होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसका मतलब है माइनस कॉमन रखा, अब ये स्क्वायर इस पर भी आएगा इसके ऊपर भी आएगा, तो वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस आयटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, और इसका पावर इवन है, जब भी कोई पावर इवन होगा तो आंसर पॉजिटिव में आता है। वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वन ही आएगा। इस पर कौन सा फार्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला। किसमें बोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस पर हम अप्लाई करेंगे। तो ये क्या आएगा, वन का स्क्वायर आएगा फार्मूले का, टू ए हमारे पास वन है और आयटा थ्री, उसके बाद बी का स्क्वायर आयटा थ्री होल स्क्वायर अपॉन ये टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस वन माइनस टू आयटा रूट थ्री, इस पर आयटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास और रूट खत्म हो जाएगा, थ्री आएगा अपॉन फोर। नाउ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस टू आयटा रूट थ्री, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, तो क्या आएगा माइनस का थ्री, बिकॉज आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन फोर। देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा स्क्वायर, ये रियल है, ये रियल में से रियल गया, कितना बचेगा माइनस का टू, माइनस टू माइनस टू आयटा रूट थ्री अपॉन फोर। इसमें से टू कॉमन निकाला हमने, टू कॉमन निकाले क्या आएगा, टू आएगा माइनस वन माइनस आयटा अंडर थ्री अपॉन टू फोर। इसको करेंगे बाकी टू बचेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस वन माइनस आयटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू। तो इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर आल्सो डोनेटेड बाय वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है वन के तीन रूट को हम ओमेगा वन ओमेगा ओमेगा से इसको शो कर सकते हैं।